आप कह रहे हैं मैंने पतले होना है और मुझे जल्द अज़ जल्द पतले कर दो, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप रातों रात मोटे हुए थे? आई मीन यू वांट अ क्विक रिजल्ट यू नो, एंड डिड यू गेन वेट लाइक दिस? ऑब्वियसली नॉट, यू टुक मंथ्स एंड ईयर्स टू गेट टू दिस स्टेट एंड नाउ सडनली जो आपको ये एकदम अटैक ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है कि भाई मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ और ये दिसंबर का महीना और मैंने शादियों पर जाना है, लोग क्या कहेंगे? अब जब ये मामला हो गया तो फिर आप कहते हैं जी फटाफट लूज़ कराओ फटाफट, और इससे पता क्या होता है, आपकी डेस्परेशन एक अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री के लिए। ये मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, आप कहते हैं भाई मेरे पास एक महीना है मैंने 10 पाउंड लूज़ करने हैं, ट्रेनर कहता है बच्चा ये आ गया काबू आ गया, ये बछड़ा मेरे काबू आ गया, इसकी तो अब मैं बोटी बोटी करूँ, और इस तरह करने से आपको शायद आपका वेट लूज़ हो जाए लेकिन उससे नुकसान क्या होएगा ये आपको वो कभी भी नहीं बताएगा, शायद उसको ख़ुद भी ना पता हो। तो मेरा आपसे कहना ये है कि अपनी बॉडी के साथ अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें, इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक ना हो, ये आपकी बॉडी कोई मशीनरी नहीं, कोई स्विच नहीं कि प्लग ऐसे लगाया तो जी काम बन गया, इट्स अ प्रोसेस। सो थोड़ा सा तहम्मुल से चलें, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के करें कि आपको टाइम लगेगा, जो भी चीज़ जल्दबाजी में करेंगे उसका हमेशा नुकसान होता है। अंडरस्टैंड दिस।